राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2020 के सफल आयोजन तथा इसे उत्सवी भव्य एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करने हेतु भोजपुर जिला में जन जागरूकता कार्यक्रम में तेजी आ गई है। इस क्रम में शुक्रवार को कृषि भवन परिसर से विशाल मोटरसाइकिल रैली को उप विकास आयुक्त श्री अंशुल अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रमना मैदान में विसर्जित हुआ। रैली में शामिल व्यक्ति हाथों में तख्तियां लिए गगनभेदी नारे लगाकर सभी लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, सरकार के सामाजिक परिवर्तन की अहम मुहिम में सहयोग एवं सहभागी बनने तथा 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने का संदेश दे रहे थे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने जिलावासियों से राज्यव्यापी मानव श्रृंखला हेतु 19 जनवरी को आपस में हाथ से हाथ जोड़ खड़ा होने की अपील की। रैली में लगभग 500 संकुल समन्वयक ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर मोटरसाइकिल रैली निकलेगी। हाँ देखिए, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि 19 जनवरी 2020 को सुबह प्रातः 11:30 से 12 बजे तक मानव श्रृंखला का एक भव्य निर्माण इस जिले के अंतर्गत किया जाना है। उसी के तहत प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक फैले, अधिक से अधिक लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, तो इसके लिए आज जिला प्रशासन द्वारा ये मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। ये शहर के अधिकतम क्षेत्र और शहर के बाहरी हिस्सों में भी जाएगी और इसी के तहत सबको प्रेरित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन पाए। राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में आज कृषि भवन परिसर से मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इसे हरी झंडी दिखाया उप विकास आयुक्त श्री अंशुल अग्रवाल ने और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री उप विकास आयुक्त ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों को 19 जनवरी में निर्धारित रूट पर खड़े होने, सभी शिक्षकगण हैं,